हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा सिक्स सेमेस्टर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि मेटलर्जी ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज का सब्जेक्ट रहेगा, और फुल मार्क्स तो आपको पता है 75 मार्क्स है। सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख लीजिए और पासिंग मार्क्स 30 है, और टाइम आपका 3 घंटा दिया गया है। क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जितने भी आपके टीएससी क्वेश्चन हैं सारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी आप यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और लिखने से पहले। आंसर इन ओन वर्ड्स, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एज ए सेपरेट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक्सप्लेन। तो बताना है क्या इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, एक हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। सेकेंड है, हाउ इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होता है ये बताना है। डिस्क्राइब मशीनिंग, मशीनिंग बताना है। इंस्पेक्शन क्या होता है वो बताना है, और असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये आपको 5+10 यानी 15 मार्क्स ये भी आपको प्रोवाइड कर देगा। सेकेंड आपका, थर्ड आपका है, व्हाट इज़ प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है ये आपको बताना है, और उसी के साथ आपको बताना है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लांट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो पहला पार्ट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और सेकंड पार्ट के लिए आपको 10 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट में जो मेंटेनेंस करते हैं, जो कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया, कहीं कुछ ख़राब हो गया तो उसको ठीक ठाक करते हैं, तो वो हो गया मेंटेनेंस, ठीक है। तो हाउ इज़ प्लांट मेंटेनेंस, और सेकंड पार्ट है हाउ इज़ प्लांट मेंटेनेंस एंड प्लांट सेफ्टी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज़ बिल्कुल। तो बताना है कि प्लांट मेंटेनेंस और प्लांट सेफ्टी इम्पॉर्टेंट क्यों है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मान लीजिए कहीं केमिकल प्लांट है और अगर केमिकल लीक हो रहा है तो इससे प्रॉब्लम किसको होगा, जो प्लांट में काम करेंगे जो एम्प्लॉई है उसको प्रॉब्लम होगा, तो उसके भी हेल्थ के लिए, उसके भी शरीर के लिए वो सेफ नहीं रहेगा, तो इसीलिए प्लांट मेंटेनेंस ज़रूरत होता है। तो यही सब आपको पॉइंट लिखना है, और भी बहुत सारा पॉइंट है वो सारा आपको लिखना है। तो 5+10 पहला पार्ट के लिए 5 और सेकंड पार्ट के लिए 10 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। पहले तो बताना कि प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके बाद बताना क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करने के क्या ज़रूरत है डिस्क्राइब करें। तो 4+11 पहला पार्ट के लिए 4 मार्क्स और दूसरा पार्ट के लिए 11 मार्क्स आपको मिल जाएगा, मीन्स टोटल 15। तो सारे क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, और इस क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। व्हाट आर द लुब्रिकेशन प्रिंसिपल, लुब्रिकेशन प्रिंसिपल क्या क्या है ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द जनरल लुब्रिकेशन एंड हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, अब आपको बताना कि जनरल लुब्रिकेशन क्या है और आपको बताना कि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन क्या है। तो इसके लिए 5+10 15 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी है, 7 आपका शॉर्ट नोट्स है। अब इसमें आपको बोला गया कि एनी 3, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग सारा शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, जिसमें जितना भी मेंशन है इस क्वेश्चन पेपर में वो तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। पहला आपका है इंडस्ट्रियल एंड वेस्ट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स के लिए 3 मार्क्स 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। नंबर बी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो मेंशन करना है। फंक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट आपको बताना है। डी है इन्वेंट्री कंट्रोल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर आपका प्लेसमेंट का भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, और फिर मैं द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन पेपर का चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।